नमस्ते बच्चों, कैसे हैं हम सब लोग। बच्चों आज मैं कुछ अलग लेके आई हूँ। आपने थंबनेल तो खैर देख लिया होगा। आज हम मैथ की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए पेपर्स में अपलोड कर रही हूँ, अब ये एक नया सेक्शन अपलोड कर रही हूँ जिसके अंदर आज मैं 2 मार्क क्वेश्चन जो है वो बताऊँगी। ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड में ठीक है काफ़ी बार पूछे गए हैं। ओके, दैट मीन्स कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन देख लो, आप वो कुछ भी आप इसको समझ सकते हैं। बट ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। देखिए हो सकता है कि इसमें नंबर चेंज हो, मेथड सेम रहेगा, तो बेसिकली आपको मेथड सिखाना है मुझे। ओके, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, साथ में नोटबुक पेंसिल पेन सब लेके रखिए और मेरे साथ सम्स भी करते जाइए, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। अगर आपसे वीडियो देखेंगे तो शायद कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, कि समझ में तो आएगा बट जब करने बैठेंगे तो फिर भूल जाएंगे, तो मेरे साथ ही सम्स को करते जाइए। देखते हैं कितने सम्स हम कर पाते हैं। ठीक है, मैंने तो सिर्फ क्वेश्चन निकाल के रखे हुए हैं, तो अभी देखते हैं हम लोग। अगर लगा कि वीडियो लंबा बनेगा तो शायद मैं इसके 2 पार्ट बना दूँ 2 मार्क क्वेश्चन पे, तो राइट नाउ अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है, तो चलिए बस मुझे आपको ये एक क्वेश्चन सेशन देना था कि मेरे बच्चे जो हैं वो जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे बच्चे हैं सब्सक्राइबर हैं, उनको मैं एक हेल्प कर पाऊँ और उनका मैथ और ज़्यादा शानदार कर पाऊँ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर 0 and -3। ठीक है, तो अब से कह रहा है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालना है, सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो आइए सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम लोग। ओके, तो आपको सम दिया हुआ है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 0 एंड प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -3। ठीक है, तो आपको कहा है कि आप इक्वेशन फ्रेम कर लो। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला लर्न कर लेना। ठीक है, अभी तक लर्न नहीं की है तो लर्न कर लेना, तो आपको इजी हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे क्योंकि इक्वेशन फ्रेम करनी है यहाँ पर हमें, आई मीन पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या बेटा रखा अपन ने, 0 बोला है, तो 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या है -3। ओके, सो देयरफोर के एक्स स्क्वायर, अब देखिए ये 0 के साथ टर्म मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 हो गया ना, तो इसको हम ना लिखे तो चलेगा, तो प्लस माइनस क्या हो गया 3। ओके, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, आई मीन पॉलीनोमियल क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3। के अंदर मल्टीप्लाई करना है तो कर लेना, नहीं करना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस पर कोई मार्क्स नहीं कटते हैं। ओके बच्चों, तो ये सिंपल हमारा हो गया आंसर, आई होप समझ में आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा क्या कह रहा है, डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बाय एक्स प्लस 5 एंड राइट कोशेंट एंड द रिमाइंडर। ठीक है, तो आपको इसको डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग। सो हमें इसे डिवाइड करना है। ओके, ये रहा डिवाइड का साइन हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 अंदर की तरफ जाएगा क्योंकि इसको डिवाइड करना है हमें, और किससे डिवाइड करना है, एक्स प्लस 5 से। ठीक है, देखो बच्चों अब डिवाइड करने का बहुत सिंपल तरीका बताती जा रही हूँ मैं। ये पहला टर्म क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर, साइड में एक्स स्क्वायर लिख दो और इसको जो हमारा डिवाइजर है ना, मतलब जिसे हमें डिवाइड करना है, उसका जो एक्स वाला टर्म है उससे आप डिवाइड कर लो इसको। बात समझ में आई, ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है, इसका जो फर्स्ट टर्म है स्क्वायर वाला उसको आप साइड में ले लो और जो डिवाइजर है उसके फर्स्ट टर्म के साथ उसको डिवाइड कर लो। देखो यहाँ पे एक्स 2 है, एक्स स्क्वायर मतलब कि एक्स 2 है, यहाँ पे 1 की है, तो ये कट गया, कितना बचा, ये 1x बचा। अब जो बचा आपका उसको आप लिखोगे कोशेंट की जगह पर, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, ये जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर वो एज इट इज़ रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो बच्चा आपने इसका यूज़ तो यहाँ पे कर लिया ना, आपने इसका यूज़ तो यहाँ पे कर लिया, 5 का यूज़ अभी तक नहीं किया, तो अभी इसको छुपा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। साइन क्या है बेटा, प्लस की, प्लस लगा दिया, 5 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लो, इनके पीछे हमेशा मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है ना बच्चा, तो 5 × x इज 5x। ओके, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस में है तो माइनस, ये भी प्लस में है, साइन हमेशा नीचे वाले टर्म्स को देख के चेंज करनी होती है, ऊपर वाले टर्म्स को देख के नहीं चेंज करनी होती है, बच्चे ये गलती कर लेते हैं। नीचे वाला टर्म प्लस में है तो हो गया माइनस। ओके डन, चलिए ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखो
तीन साइन आ गई, 1 2 3। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि मिडल वाली साइन को छुपा दीजिए, छुपा दिया हम लोगों ने। प्लस माइनस बताओ, प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से 5 गया, कितना बचेगा? 2। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 2x, एक्स है ना पीछे, इसके लिए x। अब 5 और 7 में से ग्रेटर नंबर कौन सा है बेटा? आप बोलोगे 7, तो 7 की साइन क्या होगी बेटा? प्लस, तो इसके लिए 2 प्लस में ही रहेगा, तो प्लस साइन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, माइनस होता है मेंशन कर लेते। चलो अब नेक्स्ट टर्म नीचे उतारते हैं हम लोग, प्लस 10 नीचे उतारा। ठीक है, अब दोबारा से वही चीज़ करेंगे। ये आया हमारा फर्स्ट टर्म, इसको साइड में लेके आओ, खोपचे में लेके आओ इसको, और फिर एक्स के साथ ना इसके फर्स्ट टर्म के साथ इसकी पिटाई कर लो। तो पिट गया, ठीक है, इस एक्स ने इस एक्स को काट लिया, क्या बचा हमारे पास? सिर्फ 2 बचा, और 2 क्या कोई माइनस की साइन है? नहीं है, मतलब कि 2 प्लस में है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस 2। बात समझ आई? चलिए अब ये तो एज इट इज़ लिखना है, कोई चेंज नहीं, इसको छुपा दिया। प्लस प्लस प्लस, 5 2 10, चेंज द साइन, ये माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, दोनों टर्म क्या हो गए? कट गए हमारे, कट गए ना। ठीक है, तो अभी आप क्या लिखोगे? उन्होंने कहा कि कोशेंट और रिमाइंडर बताओ, तो कोशेंट क्या लिखोगे आप? x प्लस 2, और रिमाइंडर क्या लिखोगे आप बेटा? 0। ये आपका आंसर, और बिल्कुल इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंट करके आना है ऐसा क्वेश्चन आया तो। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लेते बेटा क्या है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन √2x² + 7x + 5√2 = 0 बाय द फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब कि आपको स्प्लिटिंग मिडल टर्म से इसके रूट्स निकालने हैं। तो आइए देख लेते हैं हम लोग क्या है सॉल्यूशन में। तो पहले हम इक्वेशन लिख देते हैं, √2x² + 7x + 5√2 = 0। ठीक है बच्चों, अब क्या करना होता है बेटा फैक्टराइजेशन के अंदर? इसमें ना सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर का जो टर्म होता है कोएफिशिएंट और लास्ट जो कांस्टेंट होता है इसके बीच मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखो, √2 को मैंने 5√2 से मल्टीप्लाई किया, √2 × √2 कितना हो गया बेटा? 2, और साथ में क्या है? 5, तो 5 × √2 कितना हो गया? √2 × √2 कितना हो गया? 2 हो गया, तो 5 2 सा क्या हुआ बेटा? 10। अच्छा ठीक है, अब हमें देखो मिडल में क्या चाहिए, हमें मिडल में चाहिए 7। आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, 5 + 2 7 मिल जाएगा ना मुझे, है ना, 5 और 2 को प्लस करेंगे तो 7 मिल जाएगा, मतलब कि यही फैक्टर ले सकती हूँ मैं। तो बस मेरा इतना काम कंप्लीट। अब मैं इन टर्म्स को सारा अरेंज करती हूँ। कैसे करोगे बेटा? ये जो फर्स्ट टर्म आपका है उसको बिल्कुल नीचे सेम उतारना है। साइन क्या है? प्लस की। आपने ये फैक्टर डिसाइड किया ना, इस फैक्टर में ग्रेटर नंबर कौन सा है बेटा? 5। तो सबसे पहले ग्रेटर नंबर लिखना, ठीक है, फिर उसके बाद का जो आपके साथ फैक्टर है वो लिख देना। इसके बीच में साइन आती है, किसकी साइन आती है बेटा? वैसे तो आप बोलोगे मैम प्लस ही करोगे ना, बात तो सही है, बट हमेशा याद करना इन दोनों का साइन का मर्ज करना है। प्लस प्लस प्लस, दोबारा बोल लूँ, प्लस प्लस प्लस, इससे आपकी कभी भी साइन में गलती नहीं होगी। ये तो चलो सम में प्लस दिया था, यहाँ पे माइनस हो जाता तो बच्चे फिर गलती कर लेते हैं, ठीक है। और अब जो लास्ट टर्म हमारा बच गया उसको एज इट इज़ आप यहाँ पे फिर से नीचे उतार दोगे। इसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कहते हैं। इसका मतलब ये कि हम लोग मिडल टर्म को जो है वो स्प्लिट कर रहे हैं। देखो किया ना हमने, स्प्लिट किया ना, दैट्स वाई द मेथड इज़ नोन एज स्प्लिटिंग मिडल टर्म और फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स निकालना। चलिए अब क्या हुआ बेटा, अब आपके पास दो ग्रुप बन गए, एक ये ग्रुप बन गया और एक ये ग्रुप बन गया, ठीक है। तो अब कॉमन निकालते हैं, इसमें तो सिर्फ x ही कॉमन दिख रहा है, तो x बाहर निकाल दिया, √2x + 5, ठीक है, 5 का x बाहर आ गया, इसके लिए यहाँ पे x तो आएगा नहीं। प्लस यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है? मैम कुछ भी तो नहीं दिख रहा ना, x है ना, 5 है ना, 2 है, क्या है? देखो √2 है, √2 दिख रहा है, और यहाँ पे 2 है ना, मतलब कि √2 कॉमन में निकलेगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा √2x + 5। मैम नहीं आया समझ में? देखो देखो बेटा, ये जो 2 है, ठीक है, ये 2 को मैं √2 × √2 लिख सकती हूँ, है ना, अभी भी वही तो किया ना हमने, √2 × √2 को 2 ही तो लिखा, तो इस 2 को मैं √2 × √2 लिख सकती हूँ ना, ठीक है, और साथ में क्या है? x है,
और यहाँ पे क्या है 5√2। अब देखो ये √2 और ये √2 कॉमन निकल सकता है, निकाल दिया, क्या बच गया √2 और x बच गया, तो √2 और x डाल दिया, प्लस क्या बच गया 5 डाल दिया। अब बात समझ आई कैसे करना है? ठीक है, तो घबराना मत, रूट वाले सम देख के बच्चे घबरा जाते हैं, फिर कहते हैं पेपर टफ निकला, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए, सो देयरफॉर एक ब्रैकेट आएगा हमारे पास √2x + 5 और दूसरा ब्रैकेट आएगा x + √2 = 0। तो x की वैल्यू, चलो √2x + 5 = 0 एंड x + √2 = 0। x की वैल्यू अप्लाई निकाल ली ना, फाइंड द रूट्स बोला है ना, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस में है तो वहाँ चला गया माइनस में, और √2 मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ गया। तो इस x की वैल्यू आ गई -5/√2 और इस x की वैल्यू आ जाएगी -√2, ये वहाँ चला जाएगा ना, तो माइनस में हो गया। ठीक है बच्चा, आया समझ में अच्छे से? चलो गुड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा हुआ है, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 25 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। ठीक है, फ्लावर बेड मतलब पूरा फ्लावर गार्डन है या फ्लावर का पूरा बिस्तर है, जिसपे एक रो में 25 रोज प्लांट्स हैं, देन 23 इन द सेकंड रो, 21 इन द थर्ड रो एंड सो ऑन। देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, जो लास्ट रो है ना उसमें सिर्फ 5 रोज प्लांट्स ही हैं। सो हाउ मैनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, टोटल कितने रोज बनाए गए हैं? चलो ठीक है, देखो ये आपको है एपी, है ना, एपी दिया हुआ है ना आपको। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है यहाँ पे कि पहले रो में कितने हैं, 25। तो अगर मैं इसको एपी को फॉर्म करूँ तो पहला 25 होगा मेरा टर्म, देन 23 इन द सेकंड रो, 21 इन द थर्ड रो एंड सो ऑन, और लास्ट में कितने बोले हैं 5। ठीक है, क्या बोल रहा है, हाउ मैनी रोज मतलब कि हमें नंबर ऑफ रोज निकालना, नंबर मतलब कि एन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एन निकालना है। ओके, अब फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 25 दिख ही रहा है, डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा, 23 - 25 दैट इज -2, a2 - a1 होता है ना, तो 23 - 25 दैट इज -2। और आपको लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, तो आपको an भी दिया हुआ है 5, बेहद आसान है। ठीक है, चलो फॉर्मूला लगा देते हैं, an = a + n - 1d, an 5 a 25 + n - 1d - -2। ठीक है, डन। ओके, चलो इसको मैं यहाँ पे ले लूँ, तो 5 - 25 = n - 1 - 2। ओके, कितने बचेंगे, -20, और इसको मैं नीचे लेके आऊँ तो -2 = n - 1, -- कैंसल, 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, 10 = n - 1, ये 1 आगे लेके आओ तो 10 + 1 = n। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज कितने बन गए हमारे, 11 आंसर। आया समझ में बच्चों, है ना, चलो गुड। सो क्या कह रहा है बेटा ये क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एपी, -10 - 5 = 0 and 5। ठीक है, तो आपको निकालना है यहाँ पे एस एन सम बोला है, फर्स्ट 10 टर्म्स, तो आपको n दिया हुआ है 10, एपी दिया हुआ है, तो एपी में a कितना हो जाएगा, -10, फर्स्ट टर्म इज -10, और डिफरेंस क्या होता है, a2 - a1 मतलब -5 - -10। बात समझ में आ गई, ये हुआ a2, ये हो गया a1, तो a2 - a1 तो a2, फिर माइनस फिर a1, है ना, ये ऐसे ही लिखना वरना साइन आएंगी तुम गलती कर लोगे। -5 - -10 कितना बचेगा, 5 बचेगा। चलो, तो डी ए एन सब मिल गया, एस एन लगाना है, तो क्या फॉर्मूला होगा एस एन का, एस एन इक्वल्स टू n/2 2a + n - 1d। ठीक है बच्चों, चलो लगा लेते हैं हम लोग, एन की जगह 10, तो सम ऑफ 10 टर्म्स n/2, a की जगह -10 लगा दिया, n - 1 और d की जगह 5। चलिए, सो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 5, 2 - -10 - -20 प्लस 10 - 1 = 9, 9 5 ज़ा 45। ठीक है, चलिए, ओके,
कितना बचेगा, 45 में से 20 गया तो 25 बच जाएगा ना, 25 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी 125, ओके। तो द सम ऑफ द एन टर्म्स इज 125। डन बच्चों, क्लियर अच्छे से, शाबाश। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इवेल्यूएट 2 10² 45 माइनस कॉस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60। आइए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। वैल्यू सप्लाई करनी है आपको, 2 10² 45 माइनस कॉस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60। चलिए 2 10 45 की वैल्यू 1 होती है ना बेटा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 होल स्क्वायर, साइन 60 की भी वैल्यू होती है √3/2 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए सो 2 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, एक काम कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस सेम डिनोमिनेटर है तो ऊपर वाले नंबर प्लस हो जाएंगे, तो 3 प्लस 3 6 6/4। ठीक है, कटिंग हो जाएगी, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, ओके। सो क्या रहेगा हमारे पास, 2 माइनस 3/2। चलिए एलसीएम ले यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 4 माइनस 3 होल अपॉन 2 4 माइनस 3 इज़ 1, तो आंसर क्या आया हमारा, 1/2। इजी, डन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन बच्चों। फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स P6,5 एंड Q-4,3। ठीक है, चलिए तो आपसे कह रहा है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस जो इक्विडिस्टेंस है P और Q से। तो लेट्स ड्रॉ P एंड Q, ये P हो गया 6,5 और ये Q हो गया -4,3। ठीक है, और एक पॉइंट है लेट्स से R, और वो इक्विडिस्टेंस पे है, मतलब कि P Q के मिड पॉइंट पे आ रहा है। और कहाँ पे है वो बेटा, Y एक्सिस पे है। अब मैंने आपको जब गाला सॉल्व करवाया था ना बेटा, तब मैंने कहा था कि Y एक्सिस अगर लिखा हुआ आए, मतलब कि X की जगह पे 0 लिख दोगे और Y एक्सिस की जगह पे, मतलब Y की जगह पे Y, ओके, कॉमा के बाद वाला। और यहाँ पे अगर X एक्सिस आता तो यहाँ पे X लिख देते और यहाँ पे 0 लिख देते। मैंने पहले ही बताया हुआ है आपको, 2-3 बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं गाला में, तो आपको आइडिया हो चुका होगा इस क्वेश्चन को लेकर। तो चलिए अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इक्विडिस्टेंस पे, इसका मतलब कि पी आर और पी क्यू इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि पी आर स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर भी इक्वल होगा। तो स्क्वायर मतलब डिस्टेंस हम लगा सकते हैं हम यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बेटा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये मैंने इस पी आर के लिए लगा दिया, इक्वल टू अब पी क्यू के लिए लगा देंगे हम लोग। ठीक है, क्या सेम फॉर्मूला है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए सो अब आप यहाँ पे देखो, पहले पी आर को देख लेते हैं हम लोग। अब पी आर में इसको x1 मान रही हूँ मैं, इसको y1, इसको x2 मान लेती हूँ और इसको y2। ठीक है, तो x2 क्या है, 0 माइनस x1 क्या है, 6, तो ये वाला ब्रैकेट क्लियर हो गया। y2 - y1 क्या है, y, और y1 क्या है, 5 होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अब पी क्यू आ गया। ठीक है, तो पी क्यू के अपन क्या करेंगे बेटा, पी क्यू में भी x और 1, लाइक x1 और y1 अज्यूम कर लेते हैं, तो अभी मैं इसको रब कर लेती हूँ, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको x1, इसको y1 मान लेते हैं और इसको x2 और इसको y2 मान लेते हैं, पी क्यू के लिए ना, भूलना मत, ओके। तो अब x2 क्या है बेटा, -4, x1 0 प्लस y2 क्या है, 3 -y होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलो नाउ 0 - 6 इज -6 होल स्क्वायर प्लस
अब देखो बेटा ये क्या आया, वाई माइनस फाइव होल स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे एक अननोन टर्म है, तो जब भी ब्रैकेट में अननोन टर्म हो स्क्वायर हो तो आप लगाओगे यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है बेटा वो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ए की जगह कौन ले रहा है बेटा, वाई ले रहा है, तो वाई स्क्वायर माइनस टू ए की जगह वाई, बी की जगह फाइव प्लस बी की जगह फाइव स्क्वायर। आया ना समझ में? ठीक है, बच्चे क्या करके आएंगे, बच्चे वाई स्क्वायर माइनस 25 लिख के आएंगे, फाइव का स्क्वायर मिडिल टर्म खा जाते हैं, ये गलती मत करना, काफ़ी बार मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। चलिए माइनस फोर माइनस जीरो होल स्क्वायर, तो माइनस फोर माइनस जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो माइनस फोर होल स्क्वायर प्लस, ठीक है अब अगेन ये क्या हो गया बेटा, थ्री माइनस वाई, मतलब कि ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो यही सेम फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे ए की जगह पे थ्री और बी की जगह पे क्या ले लोगे वाई। सो ए स्क्वायर इज थ्री स्क्वायर माइनस टू थ्री, बी की जगह पर वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सारे आइटम्स आ गए, चलिए अब इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू फाइव ज़ा टेन वाई प्लस फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव इक्वल्स टू माइनस सिक्स का माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, थ्री का स्क्वायर नाइन, टू थ्री ज़ा सिक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाले साइड के साइड आइटम इक्वल टू के वहाँ शिफ्ट कर लेती हूँ मैं। सो थर्टी सिक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस टेन वाई प्लस ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्सटीन माइनस नाइन प्लस सिक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब देखो वाई स्क्वायर प्लस में है, वाई स्क्वायर माइनस में कट गया, चलो अच्छी बात है। दूसरी बात अब देखो ना बेटा, तो माइनस सिक्सटीन और माइनस नाइन क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो सोलह प्लस नौ कितना होता है पच्चीस, तो ये अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरे को अभी माइनस ट्वेंटी फाइव मिलेगा और ये क्या है प्लस ट्वेंटी फाइव, मतलब कट गए, है ना, क्लियर। बस और तो कुछ है नहीं हमारे पास अभी, तो चलिए अब क्या क्या बच गया वो लिख लेते हैं। थर्टी सिक्स माइनस टेन वाई प्लस सिक्स वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, थर्टी सिक्स माइनस टेन प्लस सिक्स इज माइनस फोर वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, क्या हो जाएगा, थर्टी सिक्स इक्वल्स टू फोर वाई, ये फोर वाई को मैंने वहाँ शिफ्ट कर लिया, सो थर्टी सिक्स अपॉन फोर इक्वल्स टू वाई, सो वाई इज इक्वल्स टू नाइन। ओके, क्लियर हो गया। अब हमारे पास आर की वैल्यू क्या है, ज़ीरो कॉमा वाई है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सो देयर फोर आर ज़ीरो कॉमा वाई इक्वल्स टू आर ज़ीरो कॉमा नाइन आंसर। ठीक है ना बच्चा, आया ना समझ में? देखो हमने गाला सॉल्व किए तो इसके लिए आपको क्वेश्चंस इजी लगेंगे। ठीक है, जिन्होंने एक्चुअली मुझे फर्स्ट गाला पेपर से फॉलो किया होगा तो उनको तो खैर मेरा मेथड समझ आ ही चुका होगा कैसे करते हैं, तो इसके लिए क्वेश्चन इजी लगेंगे, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, और जैसे मैंने कहा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, तो इसके लिए ये काफ़ी बार आते रहते हैं, तो आपका अगर हाथ बैठ जाएगा इन सारे सम्स को करने में तो आपके मार्क्स कहीं लूज नहीं होंगे। सो चलो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों एट्थ क्वेश्चन, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू थ्री बाय फोर कैलकुलेट कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ठीक है, चलिए सो आपको साइन थीटा दिया हुआ है थ्री अपॉन फोर। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, या तो फिर कुछ बच्चे जो है वो ऐसा लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, एक ही बात है। ठीक है, चलिए तो पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, लेट्स से कि मैंने इसको थीटा माना हुआ है, तो ये हो जाएगा अपोजिट, ये हो जाएगा एडजसेंट, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब कहा है कि कॉस और टेन निकालो, तो कॉस टेन के लिए तो हमें लाइक एडजसेंट और एडजसेंट की वैल्यू चाहिए होगी ना कॉस के लिए, तो ठीक है तो वो तो हमारे पास है नहीं, और टेन के लिए भी एडजसेंट चाहिए, तो आइए अब देख लेते क्या कर सकते हैं हम लोग। देखो बेटा अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अपोजिट क्या लिया है ए बी, सो थ्री अपॉन फोर, ये अपोजिट की जगह मैं ए बी लगा दूं और हाइपोटेन्यूस की जगह पे ए सी लगा देती हूँ। ठीक है, तो हेयर
हम ए बी को क्या ले सकते हैं, 3, इक्वल टू में 3 है ना, 3, पर साथ में k ले लेना, ठीक है। k इज़ द इंटीजर। देखो ज़रूरी तो नहीं है ना कि 3 वैल्यू हो, इट कुड बी सम वैल्यू जिसको कट वट करके आपको 3 मिला हो। बात समझ में आई आपको, बात समझ में आई। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको जब आपने इसको सॉल्व किया हो, इनकेस ऐसा कोई क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हो और हमें आंसर मिला हो 24/32, समझे। तो अब 8 की लगाएंगे तो 8 3 24 और 8 4 32, तो आंसर क्या आया, 3/4। बात समझ में आई। तो ये सॉल्व करने के बाद दिया हुआ है, तो इसका मतलब ए बी की वैल्यू 3 है वो तो नहीं है ना। ए बी की वैल्यू तो क्या है, ए बी की वैल्यू तो 24 है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, समझना मेरी बात को। तो इसके लिए हम इसको क्या लिखते हैं, k लिख देते हैं यहाँ पर, लाइक k वुड बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो ए बी की जगह 3k और ए सी की जगह क्या हो गया बेटा, 4k। ओके, अब पहले तो हम लोगों को चीज़ें निकालनी होगी, एडिशन। तो लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस में हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। ए सी इज 4k स्क्वायर, ए बी इज 3k स्क्वायर और बी सी हमें निकालना है। 4k इज 16k स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9k स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ओके, सो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। 16 माइनस 9 कितना होगा बेटा, 7 7k स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर, सो देयरफॉर बी सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट 7k। देखो 7 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसके लिए रूट में आ गया और k स्क्वायर का स्क्वायर हट गया तो k आ गया, तो बी सी मुझे मिल गया रूट 7k। ओके, अब बोला गया कि cos थीटा निकालो और sin थीटा निकालो, ठीक है निकाल देते हैं, हमने कहाँ मना किया है। cos थीटा का फॉर्मूला होता है adjacent upon hypotenuse या तो base upon hypotenuse, ठीक है, जो आपको ठीक लगे। adjacent इसका मतलब कि बी सी दिख रहा है, ऊपर चला गया, वेट, ठीक है, ये रहा। adjacent मतलब बी सी और hypotenuse मतलब कि ए सी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी, बी सी आया रूट 7k है ना, और ए सी हमारे पास दिया हुआ है 4k, के कैंसिल, तो क्या हो जाएगा रूट 7/4, ठीक है। और यहाँ पे टेन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट या तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमें ए बी है और एडजेसेंट बी सी है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इज ए बी, और ए बी कितना है 3k और बी सी कितना है रूट 7k, ठीक है। तो के चला गया तो क्या बचेगा, 3/√7, डन, क्लियर बच्चों, ओके। तो इन शॉर्ट मेरे बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको यहाँ पे कोई भी एक रेशियो दिया जाएगा, वो रेशियो में दो साइड्स कवर हो जाएगी, तीसरी साइड निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होगा, तो आपको तीनों साइड मिल जाएंगी, फिर आपको जो पूछा गया हो टेन कॉस सेक कॉस एक जो पूछा गया आप वो आंसर निकाल सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, आई होप आपको ये समझ में आ गया अच्छे से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 60 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो ये एक टावर है आपको, ये ग्राउंड है पॉइंट, ठीक है, यहाँ से आप टावर के टॉप को देख रहे हो, दैट मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज 60 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब कि ये जो पॉइंट है वो टावर के फुट से कितना है, 60 मीटर की दूरी पर है, एंड दिस इज 30 डिग्री, तो एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो ये हमें हाइट निकालना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे पहले थोड़ा सा इन्फो दे देते हैं हम लोग। हेयर ए बी इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ टावर विच इज एच, जो हमें निकालना है, ओके, बी सी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस फ्रॉम टावर विच इज 60 मीटर और थीटा आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। चलो बच्चों अब पहले तो देखते हैं हमें दिया क्या है, हमें निकालना क्या है। देखो ये थीटा है,
तो थीटा के सामने वाला जो होगा उसको आप क्या गिनोगे, ऑपोजिट या परपेंडिकुलर, ठीक है। और थीटा के नज़दीक वाला जो है ये, इसको आप क्या बोलोगे, एडजेसेंट या तो बेस, ठीक है। नाउ बच्चों, आपको निकालना ऑपोजिट है और दिया एडजेसेंट है, सोचो सोचो कौन सा रेशियो है जहाँ पे ऑपोजिट और एडजेसेंट आता है। यस बिल्कुल 10, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर, टेन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। देखो इसमें ना, पता नहीं कि बच्चे कन्फ्यूज है कि मैम हम कौन सा रेशियो लगाएं। अरे सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखो क्या करना है बेटा, आपको जो इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है और जो निकालना है, ठीक है, ये दोनों साइड्स डिसाइड कर लो एंगल की मदद से कि ऑपोजिट कौन सी होगी, हाइपो कौन सी होगी और एडजेसेंट कौन सी होगी। खैर हाइपो तो मेरा सेम रहती है, तो आपको डिसाइड करना होता है ऑपोजिट और एडजेसेंट या परपेंडिकुलर और बेस के बीच में। एक बार आपको डिसाइड हो जाए, फिर आप देखो आपको दिया क्या हुआ है और निकालनी कौन सी साइड है। तो जो साइड दी हुई है और जो साइड निकालनी है उसके संबंधित रेशियो कौन सा हम ले सकते हैं वो देखो और बस रेशियो लगा दो, आसान है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 10-30 डिग्री इक्वल्स टू ऑपोजिट क्या है बेटा, एच, और एडजेसेंट 60। ओके 10-30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 इज इक्वल्स टू एच अपॉन 60। 60 को यहाँ पे ले लूँ मैं, है ना, एच निकालना है ना, 60/√3 इक्वल्स टू एच। अब मैथ का रूल ये है कि आप कभी भी इरेशनल नंबर अपॉन में नहीं लिख सकते हो, तो आपको इसको करना होगा रैशनलाइजेशन। तो √3 को मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, ठीक है। सो एच इज इक्वल्स टू 60√3, √3 × √3 इज 3, डन। ओके सो 3 × 1 = 320 = 60। सो एच कितना आया, 20√3 सेंटीमीटर। ओके इन्होंने यहाँ पे सॉरी मीटर, ओके मीटर, ये रेशियोज लगाना यूनिट्स बना आधे दिमाग कर सकती है। सो दस हाइट ऑफ टावर इज 20√3 मीटर। डन बच्चों, आया ना समझ में अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आई बच्चों टेंथ क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अ टेंजेंट पी ए एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ। पहले एक सर्कल बना दे तो समझ में आएगा कि क्या बोल रहे हैं। ये सर्कल वाले क्वेश्चंस की लैंग्वेज इतनी अजीब होती है ना, पता नहीं कौन सी इंग्लिश बोलते हैं। अ टेंजेंट पी ए, पी ए एक टेंजेंट है एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो ये पॉइंट पी है, ठीक है, यहाँ से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। ओके ठीक है, सो हाँ, अ टेंजेंट पी ए एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट ए, ठीक है। तो सेंटर ओ से पॉइंट ए पे वो मीट कर रहा है। ओ ए आपको बोला गया है 12 सेंटीमीटर, तो आपको पी ए निकालना है, ठीक है। चलिए सो अब यहाँ पे बच्चों हमें पता है कि टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो बस लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस में ये हो गया 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूस, मतलब कि ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर इज 12, ओ पी इज 5 स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर, दैट इज 144 इक्वल्स टू 25 प्लस पी ए स्क्वायर। 144 - 25 इक्वल्स टू पी ए स्क्वायर। ओके चलिए तो 144 में से 25 माइनस करते हैं, 3 1 कैरी 9 11, ठीक है। तो क्या आया, 119 इक्वल्स टू पी ए स्क्वायर। नाउ 119 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो पी ए क्या हो जाएगा, 119 का अंडर रूट सेंटीमीटर, ठीक है। डन ना बच्चा, चलो शाबाश, आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। ये अगेन मैं कह रही हूँ, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि
बोर्ड के ही क्वेश्चंस आप समझ लीजिए कि हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का पूरा सीरीज बना रही हूँ मैं, तो इसके लिए इस टाइप के क्वेश्चन या हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपको देखने को ही मिल जाए, क्योंकि कहते हैं ना कि बोर्ड जो है वो कुछ क्वेश्चन रिपीट करता है, तो चांसेस है कि इनमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाए पेपर के अंदर। तो इसके लिए इस वीडियो सीरीज़ को मिस मत करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर करना, उनको भी हेल्प हो जाएगी। हम क्यों चाहें कि कोई बच्चा फेल हो ना, सब बच्चे अच्छे से पास हो, उनकी जो तमन्नाएं हैं उनके जो गोल्स हैं वो अचीव हो जाए। तो जैसे मैं आपके गोल को अचीव करने में हेल्प कर रही हूँ, आप दूसरे बच्चों को हेल्प कीजिए, इस तरीके से बस हेल्प करते जाइए और हमारा जो बोर्ड है वो अच्छे से निकल जाए। मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे गुजरात बोर्ड के जो बच्चे हैं गुजरात के, वो सब बच्चे बहुत अच्छे नंबर से पास हो, स्पेशली जो वीडियोस देख रहे हैं हमारे। चलिए बच्चों, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ 11th क्वेश्चन बच्चों, क्या कह रहा है? टू क्यूब्स ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर आर जॉइन एंड टू एंड। ठीक है, अब मैं क्यूब की जगह एक स्क्वायर बना लेती हूँ। ठीक है, तो समझिए कि ये एक क्यूब है और ये एक क्यूब है और वो एंड टू एंड ज्वाइन हो गए हैं। और क्या क्यूब में बेटा साइड के साइड इक्वल होते हैं ना? ठीक है, मतलब कि लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम होता है, तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, अब समझो कि यहाँ पे जो होता वो हाइट होगा ना, इस तरीके से होता है ना क्यूब। ठीक है, तो वो भी क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ फाइंड द रिजल्टिंग क्यूब वाइड। अब कह रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूब वाइड। अब आप देखो, तो अब जब दो क्यूब को मिलाओगे तो आपको क्यूब वाइड मिलेगा। अब क्यूब वाइड के अंदर ना बेटा क्या होता है, जैसे कि ये बेस क्यूब का है 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब कि क्यूबॉइड के अंदर जो लेंथ है ना बेटा वो चेंज हो जाती है, ब्रेथ और हाइट सेम रहती है। देखो, ये उसकी चौड़ाई होगी, ब्रेथ होगी वो सेम होगी, और ये उसकी हाइट होगी वो भी सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, हेयर फॉर क्यूबॉइड लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, 5 + 5 10 हो गया। ठीक है, ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर, वो सेम रहेगा। अब इन्होंने सरफेस एरिया बोला है, दैट मीन्स कि टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, सो टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 2 LB + BH + HL। ये फॉर्मूला रहती है ना, 9th में भी सीखा होगा आप लोगों ने। 2 L की जगह 10, B की जगह 5 प्लस B की जगह 5, H की जगह 5 प्लस HL 5 × 10। 2 × 10 = 50, 5 × 5 = 25, 5 × 10 = 50। ठीक है, ओके, चलिए 2 प्लस कर लेते हैं हम लोग, 50 + 50 = 100, 100 + 25 = 125। ओके, सो 2 × 5 = 10, 1 × 5 = 250। ठीक है, तो क्या आंसर आया, 250 cm² बिकॉज की एरिया हमने निकाला है आंसर। ठीक है ना बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भी तो देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ अ मॉडलिंग क्ले, मतलब क्ले से एक कोन बनाया गया है जिसका हाइट और रेडियस बताया गया है। राहुल रीशेप्स इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्फेयर। अब राहुल इसको बिगाड़ के स्फेयर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फेयर। ठीक है, तो स्फेयर का रेडियस बता दो। ओके, तो देखो आपके पास बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई हैं, एक कोन के बारे में बात कर रहे हैं और एक स्फेयर के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, कोन के लिए हाइट दी हुई है 24 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और कहा है कि आपको स्फेयर का रेडियस निकालना है। अब बच्चा देखो, जो क्ले था, ठीक है, उस क्ले में से उन्होंने कोन बनाया। समझो कि आप ना एक आटा ले रहे हो, ठीक है, और वो आटे से आपने एक कोन शेप बनाया, फिर बोला कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, फिर इसको बिगाड़ के फिर से आपने उसको सर्कल बना दिया। मतलब कि आटा तो वही है ना, ना आपने उस आटे में कुछ चीज़ एक्स्ट्रा आटा ऐड किया ना कम किया। ठीक है, तो जिस आटे से आपने शेप बनाया था उसी शेप को बिगाड़ के फिर आपने दूसरा शेप बना लिया। तो पहले आपने शेप बनाया था कोन का, फिर बिगाड़ के आपने उसको स्फेयर का शेप बना दिया। तो आटे का तो क्वांटिटी वही है, दैट मीन्स कि वॉल्यूम तो वही रहेगा। तो कभी भी बेटा ऐसा कुछ है ना, बात को मेरी सुनना ध्यान से, कभी भी आपको एक ऑब्जेक्ट में से दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आता है कि उसमें कन्वर्ट कर लिया, तो हमेशा याद करना उनके वॉल्यूम हमेशा इक्वल रहेंगे। ठीक है, वॉल्यूम हमेशा इक्वल रहेंगे। और अब हम इसमें सिंपली जाएंगे, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर।
ओके, अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr² h, और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। आप देख सकते हैं मैंने r यहाँ पे स्मॉल लिखा, यहाँ पे कैपिटल लिखा, ताकि मुझे पता चले कि स्फेयर का कौन सा रेडियस है और कोन का कौन सा है। अब आपको शायद उसको मैंने सिखाया भी गया हो या आप करते भी हो कि वॉल्यूम अलग से निकालो, ये अलग से निकालो, फिर उसको सॉल्व करो। ठीक है, गलत नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। इस तरीके से करने से क्या होता है ना बेटा, देखो पाए की वैल्यू लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पाए कट गया ना, तो ये तो बहुत ईजी हो गया। ये अपॉन में 3 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी काट लो, ये भी ख़त्म, बहुत आसान हो गया। अब बहुत कम कैलकुलेशन करनी रह गई हमारे पास, तो r²h = 4r³, ठीक है। अब r² की जगह 6 लगा दूँ, 6² एंड h की जगह 24 = 4r³। चलिए 6 × 6 × 24 / 4 = r³, ठीक है। मैंने क्या कर लिया, आर 4 को नीचे लेके आ गई। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, नाउ 4 × 1 = 4, 6 × 24 होता है ना, ठीक है। तो 6 कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया, तो बेसिकली 6³ = r³, क्यूब क्यूब कैंसिल, तो r कितना आ गया, 6 cm। तो रेडियस ऑफ स्फीयर इज ऑल्सो 6 cm, ठीक है। सो दस यहाँ हेयर रेडियस ऑफ स्फीयर इज 6 cm। डन बच्चों, आसान था ना, ठीक है। देखो ये मत कहना कि मैम अपने अलग मेथड किया, इस पर कोई मार्क्स काट नहीं सकता है, ठीक है। अगर एक वेल एडुकेटेड टीचर होगा तो वो तो बिल्कुल मार्क्स नहीं काटेगा, क्योंकि हम लोग किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका टाइम जो है वो काफ़ी सेव हो जाएगा। आप कर सकते हैं, आप वॉल्यूम ऑफ कोन अलग से निकाल दीजिए वैल्यूज़ की, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की वैल्यू निकाल दीजिए, फिर इक्वल टू में रख दीजिए, ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बट एज आई एम अगेन सेइंग, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो जब हमारे पास ईजी मेथड है देन गो फॉर इट ना। ओके, मैथ्स का पेपर तो वैसे ख़त्म नहीं होता, ऊपर से आप लेंथी मेथड में जाओगे तो हो चुका, फिर तो फिर आप आके रोगे कि पेपर ख़त्म नहीं हुआ, पेपर छूट गया, तो हम रोए क्यों जब हमारे पास अल्टरनेटिव मेथड होता है तो, ठीक है। चलिए सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मोड, और आपको ये टेबल दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब मोड में पहले फॉर्मूला लिख देते हैं हम लोग। तो z = L + f₁ − f₀ × 2f₁ − f₀ − f₂, ओके, एफ नॉट मतलब f₀, मुझे नॉट कहने की हैबिट है, इनटू एच। तो अब जो जो वैल्यूज चाहिए वो हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं। हेयर पहले f₁ निकालते हैं हम लोग, वहीं से तो बात शुरू होगी ना। f₁ इज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 7। चलिए तो इसको ब्लॉक कर लेते हैं, f₁ इज 7, उसके ऊपर वाला f₀ 3, उसके नीचे वाला f₂ 6, हाइट कितना है 55 − 40, दैट इज 15, ठीक है। और एल कितना है, लोअर लिमिट 40। आगे सारे वैल्यूज चलो अप्लाई कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। 40 + 7 − 3 / 2 × 7 − 3 − 6, वैल्यू सारी लिखी हुई है, मैं अप्लाई करती जा रही हूँ, है ना, मल्टीप्लाई बाय एच, दैट इज 15। चलिए सो 40 + 7 − 3 = 4, 14, ओके, 6 − 3, ओके, लाइक माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 3 = 9, तो 6 का नंबर माइनस ग्रेटर है तो इसलिए माइनस 9, मल्टीप्लाई बाय 15। तो 40 + 4, ओके, 14 में से 9 गया, क्या बचेगा, सॉरी 5, मल्टीप्लाई बाय 15, 1 × 3 = 3, सो 40 + 3 = 4, 4 × 3 = 12, कितना आ जाएगा 52, तो द मोड इज 52। डन, क्लियर ना बेटा, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई बच्चों देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन ये वाला। टू प्लेयर्स सानिया एंड संगीता प्ले अ टेनिस मैच, ठीक है। इट इज़ नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सानिया विनिंग द मैच इज 0.57, तो सानिया का जो जीतने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.57 है। देन वॉट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच, तो संगीता के मैच जीतने का क्या प्रोबेबिलिटी है।
अब देखो, अगर संगीता मैच जीतेगी इसका मतलब कि सानिया मैच हारेगी, बात समझ में आई ना? ठीक है, देखो दोनों प्लेयर्स जो है वो टेनिस के मैच खेल रहे हैं। सानिया की जो प्रोबेबिलिटी जीतने की है वो है 0.57। ठीक है, तो हमें ये बोला गया कि संगीता की बताओ। तो देखो, अगर संगीता जीत रही मतलब सानिया हारेगी, तो अगर सानिया की जो लूजिंग प्रोबेबिलिटी होगी, ये तो विनिंग है ना, तो जो लूजिंग प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, वन में से जो माइनस कर लेंगे, तो सानिया की जो लूजिंग प्रोबेबिलिटी होगी वो संगीता के लिए विनिंग हो जाएगी। बात समझ में आई? या तो हम एक और चीज़ से समझ सकते हैं इसको कि अगर दो प्लेयर्स हैं बेटा, ठीक है, सानिया संगीता है और वो दोनों गेम खेल रहे हैं, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी मिला के क्या होती है, वन होती है। अब उसमें से एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा, और इस तरीके से प्लस हमेशा वन आता है, प्रोबेबिलिटी का प्लस हमेशा वन आता है, ये चीज़ याद कर लेना। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सानिया विनिंग द मैच इज 0.57 है ना, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी, अब मैं इसको ई डैश लगा देती हूँ, ठीक है, ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज हाउ मच। अब दोनों का प्लस कितना होगा, वन। ओके, बात समझ आई ना? जैसे आप और आपके दोस्त, ठीक है, आप दोनों जो है वो टेनिस खेल रहे हो, तो अब मैं ये बोलूँ कि आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी 60% है, इसका मतलब ये है कि आपके हारने की प्रोबेबिलिटी 40% है ना, और एल्स अगर आपकी 60% है तो आपकी दोस्ती कितनी हो जाएगी, 40%। बात समझ में आई? तो बस वैसा ही है ये। चलिए, तो यहाँ पे क्या लिख दें हम लोग, 0.57 प्लस ये निकालना इक्वल्स टू 1, सो देयरफॉर पी ई नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस 0.57। ठीक है, तो पहले माइनस कर लेते हैं, 1 में से 0.57 माइनस करना है, तो पॉइंट के बाद दो ज़ीरो लगा दो। ओके, 0 यहाँ पे क्या आएगा, 9, यहाँ पे 1, 3, 4, 0। ठीक है, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग संगीतास मैच इज 0.43 आंसर। ठीक है, डन बच्चों।